सब इसको क्या बोले भाई, मतलब लकी बोले या पनौती बोले, एक ड्रोन आया नहीं कि दूसरा ड्रोन ने साथ छोड़ दिया। पहली बार आज थोड़ा लेट हो गया मैं भी, 5 मिनट ज्यादा नहीं ज्यादा। मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गाइस। फाइनली यहाँ पे सेकंड संडे राइड स्टार्ट हो चुका है। ज्यादा लोग तो नहीं, सिर्फ हम लोग ही है, लेकिन फुल टू धमाल करने वाले हैं। और स्पेशली मैं तो टायर चेंज करके आया हूँ। तन्मय भाई कहाँ रह गए पीछे? अभी जो हम मोटोमेनिया जा रहे वो ऐसे लोकेशन पे जहाँ पे मैं और विकास, हम दोनों को आने के लिए ना सेम किलोमीटर लगता है डहानू से और बोईसर से। अभी क्या प्रॉब्लम हो रहा है मेरे को, तन्मय भाई के पास भी मतलब ऑफ रोडिंग बाइक है जिसमें बटन्स वाले टायर हैं और हमने भी कल लगाया है, लेकिन जब ऐसा टर्निंग मारना होता है तब मैं स्पीड पे नहीं मार पा रहा हूँ जो कि मैं पुराने वाले टायर पे मार पा रहा था। ओके ठीक है, चलो तो भी थोड़ा तो फील होएगा क्या, थोड़ा तो ऑफ रोडिंग का फील होगा वो टायर चेंज के बाद। अभी आपका क्या, क्या होगा? अभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा बिकॉज़ हाँ आपका फ्रंट टायर इज न्यू, हाँ तो उससे और ग्रिप बढ़ेगा आपका आगे से। यस, वैसे मैंने बैटरी तो फुल चार्ज किया था और फुल चार्ज बैटरी बीच में कैसे बंद हो जाता, तो बहुत पुराना डायलॉग जो बोलते आ रहा हूँ कि भाई GoPro Hero 8 जो है बीच में ना बंद हो जाता है सडनली। और ये देखो रिम यहाँ से बैंड हुआ है और पहुँच गए मोटोमेनिया लोकेशन। देखो कितने सारे लोग हैं यहाँ पे, लेकिन राइड करने वाले सिर्फ 3 या 4 लोग हैं। कोई बात नहीं, इस बार ऑडियंस कम है, नेक्स्ट टाइम और ज़्यादा होगा। इस बार हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ हमारे लिए है। सो सुबह के 9 बज रहे हैं और 12 बजे तक हम यहाँ पे पता नहीं क्या क्या करेंगे, कैसे गाड़ी कुदाएंगे, 2 चक्कर मार के आते हैं। इस बार तो मजा आने वाला है, टायर का बहुत अच्छा ग्रिप मिलने वाला है। ओहो, लेकिन तो भी ये नागिन जैसा जो है ये हिल रहा है। और ये तो हमारे भी ताऊ है भाई, क्या होता है ना ये हैंडल बहुत संभालना मुश्किल होता है। वहां पे थोड़ा हवा कम कर दी है, पिछली बार इतना हवा कम किया थी कि भाई रिम बैंड हो गया पता भी नहीं चला। और हमारे दोस्त कैसे हो? फाइनली तुम आए, बहुत अच्छा लगा कि 10 में से 1 तो आया जो 100 के बराबर है। सो अभी थोड़ा सा चलते अंदर, गाड़ी का चेन उतर गया। इजीली हो जाएगा उसको ना, नहीं नहीं इसको नहीं, चेन को उस पे लो, चेन पॉकेट पे, ऊपर से हाँ। एक मिनट, अरे बाप रे, नहीं नहीं डबल ट्रिपल लेयर फंस गया अंदर।
ऐसा लगता है कि टायर डाल के मस्त ऑफ रोडिंग कर लेंगे, मजा आएगा, लेकिन नहीं। टायर डालने के बाद टायर का ग्रिप, टायर का अलाइनमेंट, टायर जब चलता है तब, और टायर जब मिट्टी में धंसता है, और मिट्टी में धंसने के बाद जब उसको ग्रिप मिलता है तब अलग जजमेंट रहता है। तो वही हाल हो रहा है मेरा टर्निंग के टाइम पे, कहीं कहीं जहाँ पे मिट्टी प्लेन है ना, वहाँ पे मस्त ऐसा, मतलब आगे का टायर एक ही प्लेस पे, पीछे का टायर मस्त ऐसा टर्न हो रहा है 90 डिग्री वाला, लेकिन जहाँ पे मिट्टी है ना वहाँ पे अगर प्रॉपर हैंडल आपने नहीं पकड़ा ना तो गाड़ी ऐसे ऐसे करके वो ट्रैक छोड़ देता है। वो हाल हो रहा है, बहुत ज्यादा ही मजा आएगा। क्यों मजा आ रहा है ना, एक नंबर, मतलब अगर ये राइड कर लिया ना भाई लेह लद्दाख, फिर तो कुछ नहीं। आज के टाइम में तो रस्ते भी है वो ने, खाली पेंगोंग जाओगे तो थोड़ा तकलीफ होगा, नुब्रे जाओगे तो तकलीफ होगा थोड़े दूर के लिए, 20-25 किलोमीटर के लिए, लेकिन यहाँ पे जो बैलेंस मिल रहा है, जो कंट्रोल सीखने मिल रहा है ना, वहाँ पे बहुत यूजफुल होएगा। और ये आगे, और ये वो, और ये ले भारी, खतरनाक बवाल एकदम। नहीं नहीं वो बंद हो गया, हाँ वो चालू होता तो मिल जाता, कुछ नहीं अभी हम लोग जा रहे। नहीं नहीं वो गया, वो ड्रोन बंद हो गया ना तो फुटेज नहीं आता, ड्रोन चालू होना चाहिए। सब इसको क्या बोले भाई, मतलब लकी बोले या पनौती बोले, एक ड्रोन आया नहीं कि दूसरा ड्रोन ने साथ छोड़ दिए। पहली बार मतलब इतना हाइट से फर्स्ट टाइम क्रैश हुआ, शायद ही वो बचा रहेगा। 140 फीट ऊपर था, पता नहीं हवा से गया वो कुछ तो। एक राउंड तो मार लिया हम लोग, मैं भी 6-7 लोग ढूंढ रहे थे, नहीं मिला। तकलीफ इसलिए कि भाई नहीं मिला तो आपको फाइल भी नहीं दिखा सकते कि फाइल में क्या क्या शूट किया, ड्रोन कैसे गिर गया। एक बार वापस लास्ट टाइम ट्राई करने जा रहे, मिला तो मिला और नहीं इतना किस्मत में था, उतना साथ दिया उसने, पूरा अपना इंडिया चार धाम हर जगह फ्लाई किया। देखो यहाँ पे आके पता नहीं कहाँ गुम हो गया। इतना घना जंगल है ना भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ड्रोन को ऊपर देखे कि नीचे देखे कि कहाँ देखे। क्या होता है ना DJI मिनी सीरीज में ना, DJI के ऐप में आप 10 से 15 मीटर के ऊपर उड़ा नहीं सकते, और हम उसको सेकंड पार्टी ऐप में उड़ाते हैं जिससे क्या हम 100 मीटर 150 मीटर हाइट पे लेके जाते हैं। तो आज पता नहीं क्या हुआ, ऊपर गया और कैमरा ऐसे हिला और ड्रोन आउट ऑफ कंट्रोल, मेरे कंट्रोल में नहीं ड्रोन, और सीधा नीचे कैमरा होते हुए गिर गया। ऑलमोस्ट पूरा छान मारा हम लोगों ने, अपना हमको डाटा मिलेगा कुछ दिखाने के लिए, और ना ड्रोन मिलेगा। हम इसको यहाँ पे एंड करते, मतलब एंड नहीं इस काम धाम को, इतने सारे पेड़ है समझ नहीं आ रहे कहाँ ढूंढे हम लोग, थक गए पूरा। देखते अब चलते यहाँ से, छोड़ो। चलो यार ज्यादा नहीं तकलीफ हो रहा है, क्योंकि ड्रोन ने बहुत साथ दिया था अपना, बहुत साथ दिया था। 4 बार ड्रोन क्रैश हुआ और ठीक हो गया। लास्ट टाइम उसमें मैंने 5000 खर्चा किया था, उसके बाद अभी जब उसका फाइनली पूरा बैटरी चेंज करने का टाइम आ गया था, मुझे लगता है कि बैटरी का ये एरर हुआ कि बैटरी सडनली बंद, पता नहीं अब नहीं बता सकता, क्योंकि कैमरा ना, अरे बार मार मत, कैमरा ना क्रॉस हो गया था। क्या बोलूँ मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। डहानू से चिंचन इतना दूर है मुझे आज मालूम पड़ा, वरना पहले कहता था भाई 15 मिनट में आ रहा हूँ मैं डहानू से चिंचन। चलो मिलते हैं, तुमने भी देख लिया कि क्या क्या नुकसान होता है। चलो ओके बाय बाय। घर पहुँचते पहुँचते मैंने बहुत कुछ सोचा कि जिस जगह पे मेरा ड्रोन गुम हुआ है ना, मुश्किल से वो 200 का एरिया है, तो ज़मीन पे तो बिल्कुल नहीं मिला, हम उसे ढूंढेंगे पेड़ पे। अभी 2-3 दिन बैक टू बैक काम है, काम फिनिश करने के बाद मैं वहाँ जाऊँगा और पूरा दिन ड्रोन ढूंढ के लाऊँगा। सो आज ये भी देखो यहाँ पे कैसे पूरा बैंड हो गया, ये पूरा ऐसे यहाँ पे गिर के बैंड हुआ, बट मैंने आज बहुत ही अच्छा इस पर राइड किया
अच्छा ग्रिप मिल रहा था। जब मैंने विकास की बाइक चलाई तब मुझे समझ में आया कि ये टायर का कितना फ़र्क है, मतलब ऑलमोस्ट बहुत स्लिप हो रहा था ये विकास वाली बाइक। ये देखो अंदर से कितना बैंड हो गया, आज तो पूरा चिपक गया उसको, अब इसको खोल के निकाल देंगे। पानी में जाता या पहाड़ पे जाता तो दिक्कत की बात थी। 5 एकड़ का प्लॉट है वो, सो जिसमें वो ड्रोन गया है और एग्जैक्ट मुझे लोकेशन भी पता है। बस ये है कि उसे हमें पेड़ के ऊपर अब ढूंढना है, या फिर किसी पत्ते के नीचे भी आ सकता है, पर ज़्यादा चांसेस पेड़ के ऊपर है। सो वन डे जाएंगे, एक एक पेड़ पे चढ़ेंगे, भले पूरा दिन जाएगा, मेहनत करके मेरा कीमती सामान तो वापस आएगा। बाय बाय, मिलते हैं जल्दी दूसरे व्लॉग में। और इस बार काफ़ी लोगों ने मैसेज किया था और 2-3 दोस्त आए, अच्छा लगा। मे बी नेक्स्ट टाइम हम और अच्छे से प्लानिंग करेंगे और प्रॉपर ऑफ रोडिंग राइड सीखेंगे। ये कैसा है ना, मतलब इसमें सीखने मिलता है कि बाइक्स कैसे आप चला सकते हो अलग अलग कंडीशंस में। सिर्फ ये नहीं है कि आओ तो बाइक उड़ाना ही उड़ाना है, सिर्फ बाइक उड़ाना भी नहीं, एक पूरा प्रॉपर ऑफ रोडिंग बाइक होता है कि आप ख़राब रास्तों पे गाड़ी कैसे चलाते हो, कैसे हैंडल कंट्रोल करते हो, बहुत कुछ है। बॉडी वेट कैसे संभालना है, बाइक पे कब बैठना है, कब खड़े होकर चलाना है, बहुत कुछ है। अभी देखा जाए तो हम भी ज़ीरो हैं, मतलब मैं तो ज़ीरो ही हूँ, मैं बस कोशिश कर रहा हूँ, पहले से ही है इसलिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें कर पाता हूँ, लेकिन मैं भी ज़ीरो हूँ। मुझे भी किसी अच्छे एक्सपर्ट राइडर से सीखना है और जल्दी हम एक कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे जहाँ पे एक बहुत ही प्रोफेशनल बंदा आएगा जो हमें बेसिक लेवल 1 लेवल 2 का ऑफ रोडिंग डर्ट बाइक राइडिंग सिखाएगा। और आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ कमेंट करना, आप वन डे के लिए कहीं से भी आ सकते हैं। ओके, सो यू कैन कम एंड ज्वाइन और अपने राइडिंग स्किल को और बढ़ाइए। यस।